एनसी का एजेंडा जमीन पर नहीं उतरेगा। धारा 370 अब पास्ट है, इतिहास बन चुकी है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। अपने संकल्प पत्र च भाजपा ने किए बड़े वादे। महिलाएं की 18,000 रुपए ते 2 LPG सिलेंडर, युवाएं लिए 5,00,000 नौकरियां। आओ दिखने अमित शाह हुंदे दौरे पर पूरी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एदे च जम्मू कश्मीर दे विकास दा वादा किया है। संकल्प पत्र च कार च सब थमां वरिष्ठ महिला की सालाना 18,000 रुपए, जम्मू कश्मीर च IT हब की स्थापना होग, कॉलेज छात्रें की DTB दे माध्यम थमां 3,000 रुपए ट्रैवल अलाउंस दिता जाग, वृद्ध व्यवस्था, विधवा, विकलांग पेंशन 1,000 थमां बधाइए ते 3,000 रुपए कीती जाग, 10 खंडर च तब्दील मंदरें की भी डिवेलप कीता जाग। अमित शाह होरें आख्या कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुके दा है ते कदे भी वापस नहीं आग। चुनावें दे मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह होर 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पुजे ने। जम्मू च उन्हें भाजपा दा घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर BJP प्रमुख रविंदर रैना ते पार्टी दे होर नेता भी मौजूद है। मीडिया कर्मी भी शाह हुंदे कोला अलग अलग विषयों पर सवाल किए ने। गृहमंत्री अमित शाह होरें एक एक सवाल का जवाब दिता है। आओ दिखने शाह होरें और की आख्या है। जुलूस शांति पूर्वक तरीके से निकला है, अमरनाथ की यात्रा हो या माँ वैष्णो देवी की यात्रा हो, रिकॉर्ड तोड़ यात्रिकों ने जम्मू कश्मीर की विजिट की है और यहाँ के टूरिज्म में बहुत बड़ा बदलाव आया है और बढ़ोतरी हुई है। संपूर्ण टेरर इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए ढेर सारे काम करे गए और अभी अभी मैं NC का घोषणा पत्र पढ़ता था, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी करती और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल इसका मौन समर्थन करती। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से 2 झंडे प्रस्तापित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? क्या आप 370 फिर से वापिस लाना चाहते हो? इसकी बात आपने करनी चाहिए। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 LPG सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5,00,000 रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष DBT के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू और कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक ट्रैवल कॉस्ट को हम रीएम्बर्स करेंगे। दूर दराज के क्षेत्र में
उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को जो छात्र छात्राएं हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा पीर पंजाल की और दोनों और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाला है, उनको हम टैबलेट और लैपटॉप प्रदान करेंगे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड का हम स्थापना करेंगे। पीर पंजाल की जम्मू की ओर सारी संभावना है टूरिज्म को डेवलप करने की, मगर जो स्टेप मदर एटीट्यूड के तहत एनसी के नेतृत्व में घाटी की पीर पंजाल की इस ओर कोई टूरिज्म विकास का काम नहीं हुआ, हमने तय किया है जिला रजौरी में ठंडा मंडी के आसपास एक आकर्षक पर्यटन शहर नया बनाएंगे, जो पहलगांव से भी ज्यादा आधुनिक होगा और वो पहलगांव का भी पूरक होगा। टूरिस्ट यहां पर 5 दिन रहेगा तो 3 दिन पहलगांव भी जाकर रहेगा, और वो जो वहां जो 7 बड़ी झीलें हैं, वो 7 झील और झरने को छोड़कर एक बड़ा पर्यटन स्थल हम बनाने का काम कर। वाटर स्टोर को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर शहर की डल झील और डल झील के विकास से उसको विश्व स्तरीय एक लेक पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। श्रीनगर के टैटू ग्राउंड में एक बहुत बड़ा एम्यूजमेंट पार्क बनाकर, जिसमें बच्चा अगर एक बार घुस गया तो 3 दिन तक वापिस न आए, ऐसा आकर्षक स्थान हम टैटू ग्राउंड के अंदर बनाएंगे। आईटी हब की स्थापना दोनों जगह करेंगे, जम्मू और कश्मीर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन आईटी का जम्मू में बनाएंगे। गुलबर्ग और पहलगांव में मॉडर्न टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर से एक्सपांशन करेंगे। उधमपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क, किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क, और इसके साथ साथ तवी रिवर फ्रंट को हम विश्व स्तर का बनाकर जम्मू के पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। रणजीत सागर बांध में झील विकास प्राधिकरण बनाकर रणजीत सागर बांध को भी पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। हमने एक नई ल्यूक्रेटिव औद्योगिक नीति लाने के कारण जितना इन्वेस्टमेंट 70 साल में हुआ था, इससे 3 गुना इसमें इन्वेस्टमेंट अब तक कश्मीर में हो चुका है, जम्मू कश्मीर में हो चुका है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर की 7000 औद्योगिक नीति आने की पहले की जो मौजूदा इकाइयां हैं, उनके लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक आकर्षक पैकेज लाकर बंद पड़ी सारी इकाइयां फिर से उत्पादन करती हो, इस प्रकार का हम एक पैकेज लेकर आएंगे। बाजारों और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर काम कर रहे छोटे व्यापारी और दुकानदारों के लिए लीज डीड सालों से इसका नियमितीकरण नहीं हुआ है, हम उसको रेगुलराइज करने का काम करेंगे। सिमरन रिपब्लिक टीवी से। कश्मीर घाटी में कुछ अलगाववादी जो हैं वो अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख कर रहे हैं, चाहे चुनाव में भाग लेना हो या सपोर्ट करना हो, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे वो अलगाववादियों की चिंता नहीं है, जम्मू कश्मीर की जनता ने, घाटी और जम्मू क्षेत्र की जनता ने तय किया है कि आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं आशा करता हूं कि आपका सवाल श्रीमान राहुल गांधी तो एनडीटीवी से। मेरा सवाल ये है कि एनसी का जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने कुछ जातियों के आरक्षण को फिर से पुनर्विचार करने की बात कही है, मतलब उनका आरक्षण छीनने की बात कही है। राहुल गांधी उसी के गठबंधन में है और वो आपके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी 400 पार जाएगी तो आरक्षण ले लेगी, ये वो बयान देते रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि आरक्षण हम खत्म नहीं होने देंगे, ये विरोधाभास नहीं दिखता आपको? जरूर विरोधाभास है, कांग्रेस का यही संस्कृति है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर रखना। परंतु मैं आज जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, गुर्जर बकरवाल, पहाड़ी और ओबीसी दलित भाइयों को जो आदर्श आरक्षण मिला है उसको कोई छीन नहीं सकता, हम इसको निश्चित रूप से बरकरार रखेंगे, इसको नहीं मिटने।
पहले चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, वो भी डर बताता है। फिर दबाव आया कि लड़ो, तो लड़ने के लिए एक सीट पर पर्चा डाला। अब लगता है कि एक सीट पर्याप्त नहीं है तो दो सीटों पर डाला है। मगर उमर साहब, इस बार जनता आपके साथ नहीं है, इतना मैं आपको यहीं से कह देता हूं। माननीय गृहमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील भट्ट है, मैं आज तक से हूँ। गृहमंत्री जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जब जो आपका मैनिफेस्टो है उसके कुछ रूपरेखा के कुछ पॉइंट्स बताए, उसमें आपने कहा कि पंडित टीकालाल टपलू कोई पुनर्वास योजना होगी विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए, उसमें ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, वापसी का क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, और साथ ही में जो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो नरसंहार हुआ, जो कि आप स्वयं भी कई बार कह चुके हैं कि समुदाय को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, क्या उस पर जांच आयोग बैठेगा? नंबर दो, जो कश्मीरी पंडित समुदाय को गृह मंत्रालय की जो परिभाषा है माइग्रेंट्स कहा जाता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो इसको आधिकारिक तौर पर आप क्यों नहीं मानते जेनोसाइड, और आधिकारिक तौर पर विस्थापित का दर्जा क्यों नहीं मिलता इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स का? धन्यवाद। ऐसे है, विस्थापित का दर्जा हमने आधिकारिक तौर पर दिया है। दो प्रकार है, जो उस ओर से यहाँ आए हैं उनको माइग्रेंट कहते हैं। दूसरी बात, योजना बहुत डिटेल बनाई जाएगी और संपूर्ण पुनर्वसन की हम चिंता करेंगे। इसके पहले भी आनंद फानन में जिनकी संपत्तियां बेच दी गई, जब टेररिज्म चरम सीमा पर था, तब काफी कश्मीरी पंडित और हिंदू सिख भाइयों ने अपनी संपत्ति बेचकर यहां आए थे, उचित दाम नहीं मिले थे, उनको योग्य दाम दिलाने का या तो संपत्ति वापस दिलाने का काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और 6,000 लोगों को बसाने का काम भी हमारा ऑलमोस्ट समाप्ति के कगार पर है। काश चंद्रहू न्यूज नेशन चैनल से, मेरा सवाल है कि पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर यहाँ काफी मांग हो रही है, अलग अलग समूह के लोग भी कर रहे हैं, तो इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है इस विधानसभा चुनाव में? भाई, ये मांग जो है वो एक प्रकार से लोगों को गुमराह करने की है। मैं ऑलरेडी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुका हूँ कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मांग किस चीज की कर रहे हैं? जो मांग कर रहे हैं वो तो मैं मान चुका हूं पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और मैं मानता हूं आप सभी को भी मालूम है, मगर आप डिमांड को छापते हैं, जवाब को नहीं दिखाते हैं। और उस वक्त भी कहा था कि चुनाव के बाद उचित समय पर हम पूर्ण राज्य का स्टेटस रिस्टोर करेंगे। अब उनको मांगने की ही जरूरत नहीं है, मगर और कुछ बचा नहीं है तो जो हो गया उसको मांगते हैं। रविकांत राय, टाइम्स नाउ। सर, मैं रविकांत राय हूँ, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली से। सर, आपने 370 के बारे में बहुत बार बातें की, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आया है आपने कई बार एक्स पर भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से सवाल पूछा, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप हैं, कांग्रेस पार्टी चुप है, तो ये चुप्पी कितनी खतरनाक है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी। यार रविकांत, ये सवाल आपको राहुल को पूछना है, वहां हिम्मत नहीं है, तुम मुझे पूछ रहे हो। सर, उनको पूछो ना, काहे को चुप हो भाई, हाँ बोलो या ना बोलो, जो बोलना है वो बोलो। सर, अरे वो कुछ भी करे, कुछ होने वाला नहीं है। एनसी का एजेंडा जमीन पर नहीं उतरेगा। धारा 370 अब पास्ट है, इतिहास बन चुकी है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। सर, एक दूसरा सवाल है इसी में कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग राज कर रहे हैं। चलिए, अभी मैं इस तरह की टिप्पणियों को जवाब नहीं दे सकता। अगर राष्ट्रपति शासन को वो बाहर का कहते हैं, तो मुझे श्रीमान राहुल गांधी को बताना है कि आपकी पार्टी के शासन में हमसे 3 गुना लंबा राष्ट्रपति शासन कश्मीर में रहा है, और जो कश्मीर के सो कॉल्ड आपके मित्र है, वो घाटी में रहते भी नहीं थे, लंदन में जाकर बसे थे, और यहाँ जनता को मरने के लिए खुला छोड़ दिया था। इंडिया डेली जम्मू से। ऐसा है, आप तो राजनीति में नहीं ना हो ना, हर बार टिकट बटता है तब ऐसा होता है, चिंता मत करो, हमारा परिवार एक है। नीरज पांडे, आपके यहाँ बीट के लिए नहीं होता है ऐसा, हमारे यहाँ टिकट के लिए होता है। भले आदमी, छोड़ो यार। अमित जी बोलिए। अमित जी, मैं नीरज पांडे हूँ, एबीपी न्यूज़ से। रुक जाइए नीरज जी, रुक जाइए, एक सेकंड, नीरज का समाप्त हो जाने दो। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर मंच से, हर रैलियों में कहती है कि हमारी सरकार आती है तो हम जम्मू कश्मीर के ध्वज को बहाल कर देंगे, और दूसरी वो बार बार ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के सहूलियत के लिए पाकिस्तान से हमारी सरकार को वार्ता करनी चाहिए, तो दोनों में आपका स्टैंड क्या है? देखिए, हमारा स्टैंड स्पष्ट है,
वार्ता और बम धमाके दोनों साथ में नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान की सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं हो जाता, मगर हम जम्मू कश्मीर के घाटी के युवाओं के का जो गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी अभी आए थे, उन्होंने भी कहा, उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और आप जो है बुरी तरह से हार रहे हैं। 370 हटने के बाद यहाँ पर जो वादे आप लोगों ने किए थे वो तमाम वादे खोखले निकले और उन्हें बताया कि सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए, स्टेटहुड रिस्टोर करने का सवाल ही नहीं, मैंने पहले भी कह दिया। हम पार्लियामेंट में मैं कह चुका हूँ, फ्लोर पर कह चुका हूँ कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। अब भला ये कौन सी मंत्री जी, उमर अब्दुल्ला ने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि जिस तरीके से देश भर में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मैं कश्मीर के मुसलमानों को आश्वस्त करता हूं कि कश्मीर में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। क्या ये फिरकापरस्ती की राजनीति नहीं है? कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है तो कश्मीर में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जतिन, इकोनॉमिक टाइम्स। सर, पिछले कुछ दिनों से आपने एनडीए को बहुत एक्सपेंड किया है, तो अगर इन केस हंग असेंबली आती है तो यहाँ पे भी कुछ एनडीए में नया लाइज आ? कोई हंग बंग नहीं आना है, बैठ जाओ। नवनीत, राजस्थान पत्रिका, आपका सुझाव जो है वो हम रखेंगे प्रदेश वालों के सामने कि आपका ऐसा सुझाव है। सर, ये प्रदेश भाजपा ही। अरे यार, मेरा सुझाव समझ लिए, प्रदेश के साथ आपके सुझाव पर चर्चा करेंगे। नवनीत, राजस्थान पत्रिका। सर, मैं राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूं। महबूबा मुफ्ती ने मांग की है कि एनओसी, बस सर्विस और ट्रेड सर्विस शुरू की जाए, पहला सवाल यह है। और दूसरा सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला के जो थोड़ा आपका माइक नीचे रखो, ज्यादा ही कुआ रहे। हाँ जी, महबूबा मुफ्ती ने सर एनओसी, बस सर्विस और ट्रेड सर्विस दोनों शुरू करने की मांग की है। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला के जो पिता थे शेख अब्दुल्ला, उनको नेहरू जी ने 11 साल तक जेल में रखा और आज के हालात में दोनों पार्टियां उसी कांग्रेस से वो गठबंधन करने जा रहे हैं, तो दोनों पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, मेरा कोई पक्ष नहीं है, तो राहुल गांधी जी ने निर्णय करना है। उनकी दादी ने शेख अब्दुल्ला साहब को क्यों जेल में डाला था, क्यों डालना पड़ा था, ये सारी चीजें उनको सोचनी है, इसमें मेरा कोई कहना नहीं है। जहां तक ट्रेड शुरू करने का सवाल है, जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं होता, ट्रेड टेररिज्म का इकोसिस्टम बनता है, हम इसको सहमत, हमारी इससे सहमति नहीं है। सुमेंद्र कुमार, पॉलिटिक्स जो है वो आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। अगर 14 में जब आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, तो क्या आगे चल के, क्योंकि ये जो इलेक्शन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्या आप किसी के साथ, अगर इनके कोई हंग, हम तीनों परिवार वादी जो पार्टियां हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, तीन में से एक भी की सरकार नहीं आएगी, हमारा बहुत स्पष्ट आकलन है। बाकी सारे ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लोर रखती है। गृह मंत्री जी नमस्ते, मैं ग्रेटर जम्मू से सामने आप। सर, आपसे सवाल रहेगा कि पिछले 8 दशक में जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ और इसके ऊपर जो है पॉलिटिक्स चली, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है जहाज जो है वो दिल्ली से सीधे श्रीनगर, चाहे G20 हो या जोगाड़े हो, अब देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में इस तरह के मेजर इवेंट। ऐसा नहीं है भाई, आज मैं सीधा जम्मू आया हूँ, काहे को चिंता कर रहे हो। चलो, आनंद पांडे टीवी नाइन। बीजेपी जो है वो समाज और देश को बांटने का काम करती है और यही काम उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी किया। और एक बात और उन्होंने कही है कि जो एलजी का पद है वो राजा का पद है और जो मन में आता है राजा का व्यवहार करते हैं। भाई, एलजी हो या गवर्नर, मैंने पहले भी कहा, हमसे 3 गुना लंबा राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के जमाने में रहा है, उसको राहुल गांधी क्या कहेंगे? और हमें राष्ट्रपति शासन ही इसलिए डालना पड़ा है कि 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी ने यहाँ की मूलभूत समस्या और टेररिज्म, अलगाववाद को और धारा 370 हटाने के मसले पर ध्यान नहीं दिया था, जो हमने किया है। और हमने तो यहाँ पर पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और अब असेंबली, सभी फॉर्म में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, जमहूरियत को नीचे तक ले जाने का काम किया है। राहुल गांधी जी को ये बोलने का अधिकार नहीं। सर, जिस तरह थोड़ा दूर रखिए आप। हाँ,
सर जिस तरह राहुल गांधी उनका कहना है कि जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे जो बीजेपी ने वादे किए वो 370 के बाद नहीं है, तो उस पर क्या कहना है? देखिए राहुल गांधी विपक्ष में है, आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी प्रशंसा करें? वो कभी कर नहीं सकते भैया, इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए। चलिए धन्यवाद भाइयों, अल्पाहार के बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला से विनोद जी। गृह मंत्री जी, उमर अब्दुल्ला ने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि जिस तरीके से देश भर में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मैं कश्मीर के मुसलमानों को आश्वस्त करता हूं कि कश्मीर में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। क्या ये फिरकापरस्ती की राजनीति नहीं है? कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है तो कश्मीर में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जतिन समस्या बिजली और पानी के बकाया बिलों के लिए एक समस्या समाधान योजना लेकर बकाया बिलों पर हम बड़ी राहत देने का काम करेंगे। हर घर नल से जल में 100% सैचुरेशन करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र की राशि में पर हाउस पर घर 10,000 रुपए की सब्सिडी राज्य की ओर से जोड़ी जाएगी। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता का जो पेंशन है उसको हम 1,000 से बढ़ाकर 3,000 करेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज ढेर सारे बनाए, सीटें बढ़ाई है, मगर अब हम चाहते हैं कि बाहर के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आए तो अतिरिक्त 1,000 नई सीटों की बढ़ोतरी सिर्फ आने वाले 3 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पीएम किसान निधि, मोदी जी 6,000 रुपया हर किसान को भेज रहा है, ये भेज रहे हैं, उसमें हम 6,000 के साथ और 4,000 जोड़कर हर किसान को 10,000 रुपया मिलने की बात करेंगे। कृषि गतिविधियों के लिए बिजली दर को 50% कम कर कृषि गतिविधियों में एक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन करते हुए सामान्य कोटा को प्रभावित करे बगैर अग्निवीरों को 20% कोटा देकर उसमें जम्मू कश्मीर के अग्निवीरों को हम प्रायोरिटी देंगे। एडहॉक संविदा दैनिक वेतन भोगी का समस्याओं का समाधान मैं हमारे साथियों का ढेर सारा प्रतिनिधिमंडल झेल चुका हूं, ये बेचारे कुछ बोलते नहीं है, मगर मैं कहता हूं इसका निश्चित समाधान लाकर सबका जीवन के अंदर एक नया उजाला लाने का हम काम करेंगे। 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। जम्मू और कश्मीर दोनों बहुत जल्द ही मेट्रो से युक्त हो जाएंगे और मेट्रो हमारे यहाँ भी होगी। ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान, 1,000 खंडहर हुए आतंकवाद की बलि चढ़े मंदिरों का जीर्णोद्धार और वहां अखंड पूजा हो इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। टीकूलाल टपरू विस्थापित समाज पुनर्योजना में अनेक प्रकार के नए प्रावधान हम जोड़ने जा रहे हैं, मैं अभी बताना नहीं चाहता हूं। और ये जो ब्लेम गेम चलता है जम्मू कश्मीर में, जो 40,000 लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? अभी तो राष्ट्रपति शासन था, हम कुछ करना नहीं चाहते थे, मगर जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद हम एक व्हाइट पेपर घोषित कर ये आतंकवाद फैलाने वालों की, उसके पोषण करने वाले की जिम्मेदारी तय करेंगे। और हम पिछले वर्षों से विपरीत, पिछले वर्षों में जम्मू को अन्याय होने वाली, कुछ जातियों, कुछ समूहों, कुछ उपासना पद्धति वालों को अन्याय करने वाली जो जनगणना हुई थी, इसको समाप्त कर स्वतंत्र और निष्पक्ष जनगणना कराएंगे जो सबके साथ न्याय करेगी, किसी का तुष्टिकरण करेंगे। और सबसे बड़ा वादा है,
आतंकवाद पर जो प्रहार चालू है उसको और कड़ा कर आतंकवाद को भारत की सरहदों के उस पार भेज देंगे, यहां से आतंकवाद को हमेशा के लिए हम समाप्त कर देंगे। भाई और बहनों, घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए एक संतुलित घोषणा पत्र हमारे घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में बना है। मैं उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर की जनता को अपील करना चाहता हूं, कहीं आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आए बगैर इनका मूल मकसद ध्यान से स्टडी कर लेना। उनका मूल मकसद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने वो एजेंडा को अपनी मौन सम्मति दी है। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, क्या इस देश में दो राष्ट्र दो झंडे दो ध्वज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ आप सहमत हो या नहीं वो बताइए। 370 के बारे में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सहमत हो या नहीं वो बताइए। मित्रों, वो एजेंडा बहुत खतरनाक एजेंडा है, वो फिर से घाटी में और जम्मू में भय का राज प्रस्थापित करना चाहते हैं, आतंकवाद के माध्यम से भय कर तीन तीन पीढ़ी तक शासन किया है। और मैं आज सबको बिना निसंकोच बताना चाहता हूं मित्रों कि मैं यहां घाटी में भी कई बार आया हूं, जम्मू में भी कई बार आया हूं, अब जो टेररिज्म के साथ है जम्मू कश्मीर इनके साथ नहीं रहेगा। यहाँ की आवाम ने तय किया है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अतः मैं जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों की जनता को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, एक 5 साल मोदी जी को दे दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम जम्मू कश्मीर को देश के सबसे विकसित प्रदेशों में शुमार करना चाहते हैं। वो हमारा मादा भी है, हिम्मत भी है, कार्य योजना भी है और हमारा पास्ट रिकॉर्ड भी है। मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय